मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा पुरातत्वविद्या के इंचार्ज हैं और हमारे यहाँ बहुत सुंदर कलेक्शन फासिस का है जो कि प्रागैतिहासिक काल के हैं और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इसको एक्सप्लोर किया हुआ है, जो कि हमारे दो फासिल, एक बायसन का हेड और दूसरा हाथी का जबड़ा, ये हमारे यहाँ प्रदर्शित है। दोनों बहुत ही मास्टर पीसेज हैं, इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग। ये हाथी के बच्चे का जबड़ा है जो कि हम लोगों को सोन घाटी के बघोर से प्राप्त हुआ है। एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें हम थे और उसके डायरेक्टर थे प्रोफेसर राधाकांत वर्मा, उन्हीं के निर्देशन में हम लोग एक्सप्लोरेशन वर्क कर रहे थे। उसी दरमियान ये जबड़ा हम लोगों को सोन घाटी के बघोर में प्राप्त हुआ था, जिसमें हम थे और हमारे सीनियर डॉक्टर ओ ए वानखेड़े और फोटोग्राफर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस एक्सप्लोरेशन का, कि जो हम लोगों के ये प्राप्त हुआ है। और ये इसका समय है 30,000 वर्ष से लेकर के 15,000 ईसा पूर्व। तो ये हाथी के बच्चे का जबड़ा है जो कि हम लोगों को बघोर जमाव से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से एक और बायसन जंगली भैंसे का सर है जो कि 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक उसका समझ आता है, इससे भी ज़्यादा प्राचीन है वो। ये फासिल 4 गुना विशाल था। 30,000 साल पहले हाथी दुर्लभ एलिफेंट जा वो बायसन के फासिल, करीब 30,000 साल पहले के हाथी आज के हाथी से 4 गुना विशाल काय हुआ करते थे। सीधी जिले के सोन घाटी बघोर पुरास्थल के बघोर जमाव से मिले हाथी के बच्चे का जीवाश्म इस रहस्य को उद्घाटित करता है कि इलाहाबाद संग्रह आने वालों के लिए यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह फासिल करीब 30,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व का है। यह हाथी के बच्चे का जीवाश्म है। इसमें दांत के लिए बनी जगह से अनुमान लगाया जा सकता है कि दांत करीब 6.5 फीट का रहा होगा, जबकि आजकल हाथी के बाहर के दांत करीब 2 से 2.5 फीट के ही होते हैं। प्रोफेसर राधाकांत वर्मा के अनुसार ये हाथी के जबड़े का जीवाश्म दुर्लभ प्रजाति का है। इस प्रकार के जीवाश्म देश में मात्र 3-4 स्थानों से ही पर ही उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एक बायसन का सिर जो लगभग 1 लाख वर्ष पुराना है, जो कि हमारी गैलरी में प्रदर्शित है। अब आप समझ लें कि जीवाश्म का निर्माण कैसे होता था, ये जीवाश्म कैसे बनते थे पृथ्वी के। उसमें प्रकृति के गर्भ में निरंतर रूप से चलने वाली जैविक एवं अजैविक गतिविधियों में फासिल यह एक महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाता है। जीवाश्म का अर्थ है कि सेंद्रीय कार्बनिक पदार्थ जो कि जीवित चलायमान जीव जंतु जानवर एवं मनुष्य प्राणी जो कि मृत्य है, यह कालातीत में एक दिन पृथ्वी के गर्भ में समा जाता है। इस घटना के उपरांत सभी जीव जंतु पशु पक्षी एवं मनुष्य आदि के शरीर में फास्फोरस एवं कैल्शियम आदि पदार्थ होते हैं, जो कि मृत्यु के उपरांत इसका शरीर के हड्डियों से विसर्जन होने लगता है, अपितु यह केवल हड्डी के गर्त में दफनाए हुए या जिनका दहन न किया गया। ऐसे ही प्राणियों का जीवाश्म बनने में मिट्टी बालू पानी तापमान एवं दबाव घटक सहायक होते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर अनेक वर्षों तक धरती के गर्भ में दबे हुए जैविक पदार्थों के साथ होते रहते हैं, जिसके कारण हड्डियों के भीतर का कैल्शियम और फास्फोरस निकलकर इनका स्थान मिट्टी बालू पानी आदि के मिश्रण से सीमेंट के रूप में जम जाता है और वह उस जैविक पदार्थ का आकार रूप धारण कर लेता है। तदनुसार अनेक वर्ष बीत जाने के उपरांत जब धरती के गर्भ में समाहित जैविक पदार्थ बाहर निकाला जाता है तो वह जीवाश्म के रूप में बाहर आता है। जो जीव प्लस अश्म जीवाश्म, इसी का अर्थ जीव अश्म के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए यह जीवाश्म कहलाता है। यह जीवाश्म जब धरती के गर्भ से निकलता है तो इसका वजन जैविक पदार्थ की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है और ये जीवाश्म बन जाता है, जैसे कई वर्ष पूर्व कीचड़ में फंसा हुआ हाथी या भैंसा। धन्यवाद।